हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज बहुत ही ख़ास प्लेस, बहुत ही पवित्र प्लेस हम लोग जाने वाले हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बाबा धाम। और रीज़न ये है कि आराध्या का लगभग एक साल होने वाला है 1 जुलाई को, और उसका बाल बड़ा हो गया है। तो हम लोग तब तक कहीं सैलून में या फिर किसी से बाल को कटवा नहीं सकते हैं जब तक इसका हम लोग बाबा धाम में मुंडन नहीं करवाते हैं। हम लोग का परिवार में ऐसा हमेशा चलते आ रहा है। तो अभी आज हम लोग अयोध्या को लेके जाएंगे सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से फिर हम लोग जाएंगे बाबा धाम, बाबा धाम से फिर उधर घूमते हुए बासुकीनाथ, और फिर आएंगे 30 तारीख को, और 1 तारीख को बाबू का फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे घर में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम लोग पूरा जर्नी दिखाएंगे सुल्तानगंज का, बाबा धाम का, कि हम लोग किस रूट से जाते हैं और वहाँ पर कैसा रहता है, वहाँ का माहौल और वहाँ का पूजा पाठ करने का तरीका सब आप लोग को दिखाएंगे। सब रेडी हो गया ना? चलो चलो चलो। अब सिटी स्टाइल के पास, सिटी स्टाइल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धनबाद, नानी को लेके जाएंगे, फिर वहाँ बोल बम। तो चलते हैं। एक्चुअली अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और आगे हम लोग को और एक जगह रुकना पड़ेगा, और यह शक्ति मंदिर के सामने वहाँ पर दादी और मम्मी है, तो उन दोनों को उठा के हम लोग फिर निकलेंगे सुल्तानगंज के लिए। हाँ। पटकना मत तुम लोग। आराध्या पापा, पापा आपको क्या बोल रही है? क्या बेटा? अभी अरे पीला पानी जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये जो बॉर्डर आप देखें, ये गेट देखें, ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। अब हम लोग इधर घुस चुके हैं बिहार में। आधार इधर देख लें, आधा रास्ता भी कट लो, आधार रास्ता कट लो और शॉर्टकट है। आप देख सकते हैं रोड किनारे में जो यह बैरिकेड किया जा रहा है बांस के द्वारा, यह इसलिए किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों बाद इधर श्रावणी मेला लगने वाला है। श्रावणी मेला का मतलब सावन में इधर लोग, श्रद्धालु लोग सुल्तानगंज से जल लेके जाते हैं बाबा धाम, और वो साइड वाला जो पाथवे है उसको यूज करते हैं। अभी देखिए, हाँ पैदल जाते हैं। और इधर देखिए कांवर रखने के लिए भी दिया हुआ है किनारे किनारे। यहाँ हम लोग थोड़ा रास्ते में रुक गए हैं इसलिए, क्योंकि अभी मनीषा को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, उसको लग रहा था कि वॉमिटिंग करेंगे। और आप इस साइड में देख सकते हैं, बैक साइड में है सामने इधर जो पाथवे बनाया हुआ है, जो लोकल रोड जिसको बोल सकते हैं, इसको जो मिट्टी से बनाया गया ताकि जो कांवरिया लोग हैं पैदल जाए, उसका पाँव ना छिले। और इधर पंडाल भी बनाया जा रहा है दुकान उकान के लिए। आप देख सकते हैं रोड का जस्ट ही बगल में हुआ है, जिधर से पैदल कांवरिया लोग जाते हैं सुल्तानगंज से जल लेके बाबा धाम के लिए। और जो पैदल नहीं चल पाते हैं, रोड सामने इधर गाड़ी चलता है, गाड़ी में चढ़ के जा सकते हैं। और अभी देखिए इधर नित्यानंद भी गाड़ी में थक गया, बैठते बैठते अभी उतर गया है। घूरते कैसे हटा जिलेबी कैसे घूरते जिलेबी हम। हाँ देखो वहाँ रोड है, कांवर वाला रोड है, देखो उधर है बहुत दूर में जंगल का आगे। यही वाला सबसे कष्टदायक पहाड़ी है, कंकड़ वाला पहाड़ी है, यही पे सब आदमी का फोका हो जाता है पैर में। कंकड़ पहाड़ी इसका नाम क्या है पता नहीं। हाँ कितना ऊंचा पहाड़ है, उसमें भी जाएगा, उसके साइड से रास्ता है ऊपर, उतारे ऊपर में रास्ता है नहीं देखा। इधर जो बना है वो पंडाल सब साइड से कटिंग किया हुआ है, आपको नीचे नहीं है। तो गाइज फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं सुल्तानगंज। अभी जो आप देख रहे हैं ये सुल्तानगंज का ही एरिया है, और आपको कुछ कुछ कांवरिया भाई लोग भी देखने को मिल रहा होगा जो निकल चुके हैं। अब ये पूर्णिमा तक पहुंच जाएंगे लोग। और आप ये देखिए अभी हम लोग ओवर ब्रिज के पास हैं, और इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे गंगा नदी के तट पर। आज फाइनली अभी हम लोग गंगा तट पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आना जाना हो चुका है। और हम लोग रेडी हो रहे हैं, यहाँ स्नान करेंगे और जल उठा के सामने जो मंदिर है वहाँ पूजा करेंगे, और उसके बाद हम लोग बाबा धाम के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं लोग अभी भी आना जाना शुरू कर चुके हैं। वही है क्या? ना ना दूसरा पे यहीं पे देखो। अभी हम लोग इधर आए हुए हैं, थोड़ा झारखंड ले लेते हैं, और इसके मदद से हम लोग जो गंगा जल का जल है उसको घर भी ले जाएंगे, और पूजा पाठ करने के लिए भी, अभी बाबा धाम के लिए भी काम आएगा। तो देखो तो गाइज फाइनली हम लोग खरीद लिए हैं जो हम लोग को पानी ले जाने के लिए जार चाहिए था। आप इधर देख सकते हैं ये लेके जा रहे हैं, और अभी जा रहे हैं हम लोग नहाएंगे गंगा नदी में। गंगा नदी में नहाने के बाद फिर निकल जाएंगे पूजा करने के लिए। आराध्या उठ के आ रहे इस तरह आ रहा है। भैया पानी के अंदर टिकेगा क्या? हम जा रहे हैं, आप देखिए घुसेगा। कुछ नहीं दिख रहा है तो अंधेरा है, तो अंधेरा है। घुसो घुसो, अंधेरा है रे, अंधेरा है। भर दिया ना सब। आराध्या, आराध्या, जल्दी आना। ये देखिए, यह है शिवगंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है।